नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनू सागर और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया। मेरा चैनल का नाम मोनू सागर है, ये फ़िलहाल आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मेरे पास थंडरबर्ड है, थंडरबर्ड के अंदर है, पीछे से लहर मार रही है गाड़ी। मतलब नॉर्मल स्पीड में चलाएं तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, पर जैसे ही एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी हमारा पीछे से इस तरह हिल रही है। तो अगर आपके साथ होता है या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो आपके पास दो कारण है ये चीज़ें पता करने की क्या चीज़ में प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको टायर को इस तरह हिलाना है। देखिए, मैं अगर टायर को हिलाता हूँ तो आपको चैन को गौर से देखना है और यहाँ पे चैन हिलती हुई नज़र आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, या तो आपके कैंची के बुश ख़राब हो सकते हैं या हमारी जो तिल्लियाँ होती हैं तिल्लियाँ टूट रखी हो सकती हैं। अगर तिल्लियाँ टूट जाती हैं तो वो जाल पूरा टाइट नहीं रहता और ये प्रॉब्लम आ सकती है कि गाड़ी आपकी लहर मारने लगे। इवन आप अगर नई गाड़ी भी लेते हैं तो आपको एक टाइम पर तिल्लियाँ टाइट करानी पड़ती हैं। ये स्पोक होती है ना, इनको टाइट कराना पड़ता है। मैं ज़रा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या है, ज़रा नज़दीक से। तो यहाँ पर मैं आपको टायर हिला के दिखाता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी के कैंची के बुश भी कट रखे हैं। और कैंची के बुश होते किस तरीके के हैं, यहाँ पे एक पैकेट है मेरे पास, इस पैकेट को मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि कैंची के बुश कैसे होते हैं। ये रहे कुछ कैंची के बुश, प्लास्टिक के होते हैं। पहले के टाइम पर लोहे का आया करते थे पुरानी गाड़ियों में, और वो इसलिए आते थे कि वो पुरानी गाड़ी की थी और CI इंजन होता था, वो हाई लिमिटेड था, मतलब उसकी एक लिमिट थी, वो हाई स्पीड नहीं था। और यहाँ पर हमारा UC इंजन हाई स्पीड है, इसके लिए हमारे प्लास्टिक के बुश दिए और वो अच्छे से काम भी करते हैं अगर अच्छे से इसकी मेंटेनेंस रखी जाए तो। और मैं दूसरा दिखाता हूँ कि हमारा टायर के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है। टायर के कुछ स्पोक हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए एक स्पोक टूट रखा है, या तिल्लियाँ बोल सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से आपको समझने की मेन चीज़ें समझ रहे हैं। एक ये टूट रखा है, एक यहाँ की स्पोक है जो यहाँ से इधर को जाएगी वो गायब हो रखी है, और एक दो स्पोक और हैं। पूरा टायर खोल देता हूँ मैं, फिर मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। तो अभी मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आप अपने कैंची के बुश चेंज कराते हैं, ये रहे आपके कैंची के बुश, अगर आप इनको चेंज कराते हैं तो आपको ये पाइप भी चेंज कराना पड़ेगा। और ये पुराना पाइप है और ये नया पाइप है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। और साथ में आपको एक्सल भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये रहा हमारा पुराना एक्सल, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए चेंज करनी पड़ेंगी कि जो फर्स्ट टाइम गाड़ी कंपनी से आती है उसमें जब कैंची बुश होता है काफ़ी टाइम के बाद ख़राब होंगे। अगर आप खाली कैंची के बुश चेंज कर देते हैं वो आपके 2-3 महीने लगेंगे और दोबारा ख़राब हो जाएंगे। उसके पीछे रीज़न है कि आप ये पाइप चेंज नहीं करते और ये एक्सल चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ बुश ही नहीं कटते हैं, ये पाइप भी कटता है, ये एक्सल भी कट जाता है इस जगह से कहीं से। तो इसके लिए सीधा सोल्यूशन है कि आपको एक्सल चेंज कर देना है और ये पाइप चेंज कर देना है, जिससे कि इसके अंदर नया पाइप रहेगा और ये बुश पड़ेगा तो समझ लीजिए एक तरीके से पूरा सिस्टम नया हो गया है। और ये आपका आराम से 1-2 साल आराम से खींचता है। तो मैं जल्दी से इसे फिट करा लेता हूँ। आप अगर इसे हाथ से फिट करते हैं तो आपका ज़्यादा चलेगा नहीं, तो इसके लिए खैरात मशीन में जाइए और वहाँ मशीन से फिट कराइए। इसके अंदर जो है मशीन से फिट कराना पड़ता है यहाँ पे को, और इसको हाथ से ठोक के मत निकालिए, हल्का सा गर्म कीजिए ये हिस्सा और गर्म होकर बाहर को निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, देख सकते हैं निशान आया है, ठीक है। तो मैं इसको फिट कराता हूँ, फिर आखिरी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। तो अब जो फाइनल लास्ट टिप मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद देखिए चेक करें, मैं आपको इधर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं टायर को पूरी अच्छे से हिलाता हूँ और बिल्कुल भी चाल नहीं है। अब इसके अंदर सारा काम का खर्चा कितना आएगा, ये हमारे यहाँ पहाड़ों में आया है 700 रुपये का खर्चा। ये डिपेंड करता है आप किस जगह से हैं वहाँ तक, ठीक है। 700-750 रुपये तक का आपका सारा काम हो जाएगा। और आप जब भी डलाएं, ये जेन्युइन पार्टी डलाएं, ओरिजिनल। अगर आप लोकल डालते हैं या सिर्फ बुश डालते हैं तो ये कामयाब नहीं होंगे। तो मेरी लास्ट में आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप ये सामान या ये काम कराते हैं तो सब जेन्युइन पार्ट डालिए, जेन्युइन पार्ट आपका ज़्यादा कामयाब रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करता है वेरियंट की, थोड़ा महंगा हो सकता है, पर जेन्युइन बिल्कुल ओके रहेगा, ठीक है। और आप लोहे के बुश ना डालें, मेरी लास्ट में आपसे एक बार दोबारा यही रहेगी कि लोहे के बुश ना डालें, वो कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं टायर बिल्कुल फ्री है और चैन बिल्कुल परफेक्ट है, सारा काम परफेक्ट हो चुका है।
और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।